नमस्कार, आप सबका स्वागत है। उज्जैन जिले के नागदा में सोमवार को सैकड़ों लोग एक सामाजिक बदलाव के साक्षी बने। यहां एक पिता ने अपने बेटे की मौत के बाद बहू को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने छोटे बेटे से बहू की शादी करवाई। देवर हितेश ने भी अपने पिता के इस निर्णय पर गर्व करते हुए भाभी गायत्री के साथ साथ फेरे लिए। सोमवार शाम हुई इस शादी की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो गई थी। इसके लिए दुल्हन के जोड़े से लेकर दूल्हे की शेरवानी तक स्पेशल रूप से तैयार करवाई गई। सोमवार सुबह दूल्हा हितेश और दुल्हन गायत्री माता पूजन करने मंदिर पहुँचे। इसके बाद दोपहर 3 बजे मंडप का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडप के बाद शाम 4 बजे दुल्हन को विवाह स्थल पर परिजन लेकर पहुंचे और इधर दूल्हे के बारात निकालने की तैयारियां शुरू हो गईं। शाम 5 बजे हितेश घोड़ी पर सवार होकर गायत्री को ब्याहने निकला। बारात में परिजनों ने जमकर डांस किया। विवाह स्थल पर बारातियों की अगवान की बाद दूल्हे को स्टेज पर ले जाया गया। कुछ देर बाद गायत्री को भी स्टेज पर लाया गया और फिर जयमाला का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इसके बाद पंडितों ने रीति रिवाज से गायत्री और हितेश का विवाह संपन्न करवाया। 17 फरवरी 2012 को बिजनेसमैन राजेंद्र चौधरी के बड़े आईटी इंजीनियर सुमित का विवाह बखतगढ़ के जाट परिवार की गायत्री से किया हुआ था। 2 जून 2014 को सुमित की हादसे में मौत हो गई। पिता के सपने तो टूटे ही, बहू और 7 माह की पोती धनवी के भविष्य पर भविष्य भी खो गया। बेटे को खोने के बाद राजेंद्र ने बहू को संभाला और उसे कॉलेज करवाया। उन्होंने पोती के भविष्य को देखते हुए छोटे बेटे से बहू की शादी करवाने का निर्णय लिया। पिता के इस फैसले को बेटे ने भी खुशी से कबूल लिया।